तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बायजूस केसीए T20 पिंक चैलेंज टूर्नामेंट चल रहा है, तो भाई उसका 17वां मैच और भाई कल के दिन का पहला मैच जो कि खेला जाएगा टीम पेरल वर्सेज टीम रूबी के बीच में। तो भाई इन दोनों ही टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई यहाँ पर बात करें तो देखो दोनों ही टीम्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भाई लास्ट मैच में बुरी तरह से कोलैप्स हो गया था यहाँ पर टीम रूबी का, तो ये देखने वाली बात होगी कि टीम अब कैसे वापसी करती है। ठीक है, तो दोनों टीम्स के आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ साथ मैं एक डेमो टीम आपको यहां पर देने वाला हूं, लेकिन भाई आपको बता दूं जो फाइनल टीम है वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए भाई और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मॉर्निंग भाई 9 बजे मैच खेला जाएगा। और भाई बात करें यहां पर तो आप देख सकते हो जो कबड्डी के 3 मैच खेले गए भाई, तीनों के तीनों हमारे लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप गए। इससे पहले जो भाई आज के दिन का बिग बैश का मैच था वो हमारे लिए अल्ट्रा क्लीन स्वीप गया, और जो ओमान T20 लीग चल रही है उसका भाई एक मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप गया, दूसरा मैंने कवर नहीं किया, और तीसरा भाई अभी तक काफी अच्छा जा रहा है। ठीक है, वो मैच कंप्लीट होगा तो मैं उसकी भी विनिंग के बारे में बता दूंगा कि कैसा गया कैसा नहीं गया। साथ ही साथ भाई यहां पर मैंने T10 के 2 मैच कवर किए थे, उसमें से एक मैच अच्छा गया, एक मैच बिल्कुल लॉस गया। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी ध्यान में रख लेना। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि देखो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपको बता देता हूं, लेकिन लॉस होता है तो भाई लॉस भी आपको बताना चाहिए ना, तो इसीलिए बोल रहा हूं। जो आज के दिन में भाई मैंने 8 मैच कवर किए थे उसमें सिर्फ एक मैच ऐसा गया जिसमें हमारा लॉस हुआ है, अदरवाइज भाई 7 मैच हमारे बिल्कुल क्लीन स्वीप गए हैं। तो आप देख सकते हो हमारा विनिंग परसेंटेज क्या है। और टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और फाइनल टीम के बिना भाई आप विनिंग नहीं कर पाओगे। तो बात करते हैं भाई स्टेट्स की, तो 17वां मैच है टीम रूबी वर्सेज टीम पेरल के बीच में। बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो 25 दिसंबर यानी कि कल मॉर्निंग में 9 बजे मैच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो संताना धर्मा ग्राउंड में मैच होने वाला है। अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है। एवरेज स्कोर 110 से 130 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा यहाँ पर, आप देखो 16 मैचेज खेले गए अब तक इस सीजन में। अगर बात करें वेन्यू के इस सीजन के रिकॉर्ड की तो 9 मैच भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 7 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते, और जो बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने मैच जीते वो भी भाई बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट में जीते। तो यहाँ पर भाई फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि मैंने काफ़ी मैचेज यहाँ पर ऐसे भी देखे हैं जिसमें भाई बिल्कुल लो स्कोर बनता है, यानी कि 100 से नीचे टीम बनाती है और फिर भी भाई डिफेंड कर जाती है। तो आप देख सकते हो कितना मतलब यहाँ पर डिफेंड करना कितना ज़्यादा मतलब ईजी है अगर कंपेयर करें चेज करने से। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो भी टीम पहले बैटिंग करे उस टीम के हमें ज़्यादा प्लेयर लेके चलने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और भाई सिर्फ और सिर्फ लिंक से ज्वाइन करना है, अदरवाइज कैसे भी आपको ज्वाइन नहीं करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज भाई आप किसी फेक चैनल पर चले जाओगे क्योंकि हमारे नाम से काफ़ी सारे फेक चैनल ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। बात करें अगर बाई चांस 1% लिंक वर्क ना करे तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम आपको यही लिख के सर्च करना है, @ सारे कैपिटल लेटर्स में लिखने भाई KPM फैंटेसी एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये सर्च कर लेना आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर टीम रूबी की तो देखो लास्ट मैच के स्टैट्स बिल्कुल खराब है इस टीम के, क्योंकि बुरी तरह से कोलैप्स इस टीम का हो गया था। यहाँ पर आप देखोगे तो 9 रन बनाए इनकी कैप्टन ने अक्षर सदानंदन ने, और 4 ओवर में विकेटलेस रहे। अबीना एम जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी इस मैच में बुरी तरह से फ्लोप हुई है। इसके अलावा भाई सिया संतोष भी फ्लोप रही। इसके अलावा भाई जो इनकी जो दूसरी टॉप परफॉर्मर प्लेयर है सजुआ सलीनन, तो ये भी भाई पूरी तरह से फ्लोप रही। अक्षर सदानंदन के बाद भाई सजुआ सलीनन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन पूरी तरह से फ्लोप रही। चिथाया जे भी फ्लोप रही, उर्वशी भी फ्लोप रही। ठीक है, जिससे देखो अब यहाँ से टीम तो पूरी फ्लोप रही है तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इस टीम से मैं आपको मेन प्लेयर बता देता हूँ जो आपकी टीम में होनी ही होनी चाहिए। अक्षर सदानंदन आपके लिए CVC भी बन सकती है स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में तो जरूर आप ट्राई करना है। अबीना एम को आपको ट्राई करना है, सिया संतोष को आपको ट्राई करना है नहीं करना है, ये आप अपने रिस्क पर लेके चलना, क्योंकि ये देखो इटन मिस प्लेयर है, कभी परफॉर्मेंस दे जाते कभी नहीं देती। बात करें सजुआ सलीनन की, आपकी टीम में 100% होनी चाहिए। नीचे की साइड से तो भाई अलीना आपकी टीम में होनी चाहिए, जिप्सा जोसेफ आपकी टीम में होनी चाहिए, और यासे नाजला नौशाद आपकी टीम में होनी चाहिए। बेहतरीन टीम है भाई, बेहतरीन परफॉर्मेंस देखे जाती है, तो ये प्लेयर आपकी टीम में आप ट्राई कर सकते हो। टीम पेरल की बात करें तो लास्ट मैच अपना ये विन करके आ रहे, जिस पर
देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ऊपर से आप देखोगे तो आपको, देखो एक मिनट, ऊपर से आप देखोगे तो आपको जिप्सा जोसेफ दिख रही है और नीचे से भाई जिसना जोसेफ है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो ये आप नेम चेक कर लेना क्लिक करके, उस मतलब जो ड्रीम इलेवन पर प्लेयर दिखाई उसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। तो आप जिसना जोसेफ को भाई ग्रैंड लीग में ट्राई करना एज ए कैप्टन, ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। जिसना जोसेफ आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर जा सकती है ग्रैंड लीग में। अवस्थी बाबू बेहतरीन प्लेयर, लगातार परफॉर्मेंस दे रही है, 21 रन बनाए। अखिला पनुखुतान की बात करें तो लास्ट मैच में नॉट आउट कही है, 37 रन पर। बात करें कीर्ति जेम्स की तो बैटिंग में पूरी तरह से फ्लॉप रही, लेकिन भाई बॉलिंग में देखो 3 ओवर में 1 मेड इन ओवर देके 5 रन देके और भाई 3 विकेट निकाल के लेके गई है, और हमारी वॉइस कैप्टन थी, इसकी वजह से हमने बिल्कुल एक तरफा यहां पर विनिंग की है। इसके अलावा भाई बात करें ऐसे अनुश्री अनिल कुमार की, तो देखो लगातार परफॉर्मेंस अब इनकी आने लगे, स्टार्टिंग के 2 मैच को निकाल दो तो लगातार परफॉर्मेंस बंदी दे रही है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। दिव्या गणेश की बात करें तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। गोपिका गायत्री देवी की बात करें तो सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई करना। नित्या लॉर्ड बेहतरीन प्लेयर, आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा भाई अलीना सिबू और यहाँ पे श्री कृष्णा हरिदास में से किसी एक को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। अंजू रजन भाई पार्ट टाइम बॉलर और बैटिंग भी कुछ खास इनकी बैटिंग ऑर्डर में, मतलब ऊपर इनको प्रमोट किया नहीं जा रहा और नीचे भाई इतनी अच्छी मतलब बैटिंग आएगी कहाँ से, तो ये चीज़ आप थोड़ी ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं भाई सीधा ड्रीम इलेवन की टीम की, तो मैं आपको क्लियरली बोल चुका हूँ यहाँ पर आपको डेमो टीम मिलने वाली है, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। ऐसे अविस्था बाबू हमारी टीम में रहने वाले, इसके अलावा भाई अबीना एम हमारी टीम में रहेगी क्योंकि दोनों लगातार परफॉर्मेंस दे रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर देखो जोसेफ जिसना की, तो इसको आप ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में आप ट्राई मत करना। यहाँ पर बात करें संजय सलीनन की, तो हमारी टीम में रहेगी। यहाँ से बात करें गणेश दिव्या की, तो आप ट्राई कर सकते हो। ए पोनू खुतान को मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। इसके अलावा भाई संतोष सिहा और यहाँ से भाई देखो गणेश दिव्या, इन दोनों में से किसी एक को आपको ट्राई करना। मैं अभी के लिए गणेश दिव्या के साथ जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो ऐसे भाई जोसेफ जिस्पा को आप ट्राई कर सकते हो, बेहतरीन प्लेयर है। अक्षय सदानंदन हमारी टीम में रहेंगे, कीर्ति जेम्स हमारी टीम में रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा नीचे चलोगे तो भाई अनिल कुमार अनुश्री हमारी टीम में 101% रहने वाली है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो ऐसे देखो अलीना एम की बात करें, एम पी अलीना की, तो बेहतरीन प्लेयर है, हमारी टीम में 100% रहेंगे। इसके अलावा भाई यहाँ से बात करें देखो नाजला नौशाद को तो आप ट्राई कर सकते हो। नीचे से भाई आप लॉर्थ नित्या को ट्राई कर सकते हो, तीनों के तीनों बेहतरीन आपके लिए प्लेयर है। इसके अलावा अगर आपको किसी को ट्राई करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, एन अंजना को आप ट्राई कर सकते हो और एस अलीना को आप ट्राई कर सकते हो। इनको आप अगर ट्राई कर पाओ तो आप कर लेना, अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो तो आप किसी भी एक प्लेयर को ड्रॉप करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बात करें सी वी सी की, तो कैप्टन हमारी अक्षय सदानंदन होने वाली है, वॉइस कैप्टन कीर्ति जेम्स होने वाली है। आप चाहो तो सी वी सी को रिवर्स भी कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ से अनिल कुमार अनुश्री बेहतरीन प्लेयर है, इसको भी आप सी वी सी लेके जा सकते हो। तो एक बार मैं आपको टीम सेव करके टीम का प्रीव्यू भी दे देता हूं, तो कुछ इस प्रकार की भाई हमारी फाइनल टीम अभी के लिए होने वाली है। तो मे बी इसमें हम कुछ एक दो चेंजेस कर दें, क्योंकि देखो प्लेइंग इलेवन आएगी दोनों टीम्स की और टॉस के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम मिल जाएगी। मैच की डेडलाइन है भाई मॉर्निंग में 9 बजे, तो 9 बजे से पहले भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।